व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जिंदगी ज़रा मुस्कुराना। और आज फिर मैं आपके लिए बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। किचन के कई काम कभी कभी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं और उनके पीछे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, जिनमें से एक है कोकोनट। कोकोनट को निकालना बहुत मुश्किल टास्क होता है। और नारियल का, चूँकि सेल बहुत कड़ा होता है, तो बड़ी मुश्किल से ही उसमें से नारियल निकल पाता है। तो इसे इजी वे में करने के लिए आप नारियल को फ्रीजर में तब तक के लिए रख दें जब तक वो बिल्कुल हार्ड ना हो जाए। फिर उसके बाद आप उसे फ्रीजर से बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ दें। इसके बाद चाकू की मदद से आप सेल और नारियल के बीच के गैप को लगातार गोल गोल चलाते हुए चाकू से उसे हल्के हल्के हाथों से दबाव डालते जाएं, और फिर आप देखेंगे किस तरीके से नारियल के सेल से पूरी की पूरी नारियल बिल्कुल सफाई के साथ बाहर आ जाती है बगैर ज़्यादा मशक्क़त किए। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है नारियल के सेल से नारियल को निकालना, वरना ये हम हाउसवाइफ के लिए तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमें इसकी ज़रूरत तुरंत होती है और हम इसे लेकर बस हमारा मारी करते रह जाते हैं। तो ये देखिए कितनी सफाई से पूरा सेल साफ हो गया है और इसमें से पूरी की पूरी नारियल की गड़ी बाहर आ गई है। अब आप इसे आसानी से छोटे टुकड़ों में काटकर वापस स्टोर कर फ्रिज में रख दे सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से निकाल कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान और बहुत बढ़िया टिप्स है हम हाउसवाइफ के लिए जो कि किचन में नारियल का यूज़ करते हैं। मार्केट से हम कई बार काफ़ी सारे नींबू एक साथ लाकर स्टोर कर रख देते हैं अपने फ्रिज में, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रह पाते, उनका कलर ख़राब हो जाता है और नींबू भी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको स्टोर करने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप नींबू को काफ़ी दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं। कागज़ की वजह से उसके अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं निकल पाता है और नींबू सॉफ्ट और सही सलामत बना रहता है, और वो भी काफ़ी दिनों के लिए। तो इस टिप्स को आप जरूर यूज़ कर देखें। बार बार एक मार्केट से ख़रीद कर लाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसलिए एक पूरा क्रेट ही खरीद लेती हूँ और फिर मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ अपने फ्रिज में बॉक्स के अंदर रख कर। तो ये मैंने फिश लाया है आज मार्केट से, और हमारे यहाँ इसे लोकल भाषा में बांस पत्ता फिश क्या कहा जाता है, और हम इसे फोली माछ भी कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि इस मछली को, इस फिश को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो ये फिश बहुत टेस्टी फिश होता है और ये फिश जब मिल जाए तो यहाँ हर कोई चाहता है कि इसे खरीद लें, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अभी मार्केट में फ़िलहाल ये 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल हो रहे हैं। तो मैं अपने घर के लिए ये फ़िश लेकर आई हूँ, और यहाँ फ़िश आपको बना करके नहीं दिए जाएंगे, आपको इसी तरीके से पूरे साबुत फिश खरीदने होंगे और फिर आपको घर ले जाकर उन्हें बनाना होगा, उन्हें क्लीन करना होगा, उनकी पूरी ड्रेसिंग करनी होगी। फ़िश को ड्रेस करना एक हार्ड टास्क होता है, और इसे आसानी से जल्दी से पूरा करने के लिए आप अपने घर में ही आपको मिल जाएंगे ऐसी चीज़ जो आपको आसानी से और कुछ ही मिनटों में चुटके बजाते ये सारा काम पूरा कर देंगे। तो हमारे घरों में पीलर अवेलेबल होता है, आप देखेंगे पीलर के एक साइड में कुछ नुकीले पॉइंट्स की तरह बने हुए होते हैं, तो उनका यूज़ करें आप मछली की आउटर ड्रेसिंग के लिए। आप देखेंगे कितनी आसानी से मछली के सारे छिलके आराम से उतर जाते हैं बगैर ज़्यादा मशक्कत किए, और बहुत ही कम समय में चुटकी बजाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स बड़े काम के होते हैं। पीलर की मदद से बगैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ को यूज़ किए हुए आप सफाई के साथ अपनी मछली को ड्रेस कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा ज़रूर बताइए। बाय।